टूडे आई एम गोइंग टू टॉक ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ मिनरल बेनिफिकेशन मिनरल बेनिफिकेशन का भी और नाम है मिनरल प्रोसेसिंग और मिनरल ड्रेसिंग आई थिंक मेटल ग्रेड इन दोर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द टेक्निक ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन दैट इज हाइड्रोमेटालोजी और पैरोमेटोलॉजी दे रिक्वायर ए ग्रेड ऑफ ओर और मेटल ग्रेड ऑफ ओर शुड बी सफिशेंटली हाई सो दैट वर्स्ट प्रोडक्शन इज मिनिम एज पॉसिबल हम लोग का मेटल एक्सट्रक्शन जो ओर से किया जा रहा है वो मेटलर्जी प्रोसेस और मेटलर्जी मेथड method में ही किया जाता है स्पेशल मेथड ऑफ मेटलर्जी चार पार्ट में डिवाइड किया गया है पहला हो गया आपका पैरोमेटोलॉजी दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोमेटलॉर्जी तीसरा हो गया हाइड्रोमेटलॉर्जी चौथा हो गया अमलगम पैरोमेटलॉजी मीन्स एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ हीट इन दिस मेथड रोस्टेड और काल्सोनाइड और इज रेड्यूस इन टू मेटल बाई यूजिंग डिफरेंट रेड्यूसिंग एजेंट हम लोग का सबसे पहला ओर को हीट ट्रीटमेंट होना जरूरी है उसके बाद आपका अलग अलग मेथड में आपका मेटल एक्सट्रक्शन होता है बाई यूजिंग डिफरेंट रेड्यूसिंग एजेंट हम लोग का देख रहे हैं अभी अलग अलग जो डिफरेंट मैथड में आपका मेटल एक्सट्रक्शन किया जाता है जैसे कि कार्बन रिडक्शन प्रोसेस दूसरा हो गया का थर्मल रिडक्शन प्रोसेस तीसरा हो गया ऑटो रिडक्शन प्रोसेस में जो हम लोग का कार्बन रिडक्शन प्रोसेस में जिंक लीड आयरन मेटल एक्सेट्रा एक्सट्रक्शन होता है ओर से थर्मल रिडक्शन प्रोसेस में अलमिनियम मैग्नीशियम एक्सेट्रा मेटल जो ओर से हम लोग का एक्स्ट्रक्शन होता है ऑटो रिडक्शन प्रोसेस और सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस में कॉपर एंड लीड मेटल आपका ओर से एक्सट्रैक्शन किया जाता है अभी देखते हैं हाइड्रो मेटलर्जी हाइड्रो मेटलर्जी प्रोसेस मीन्स मेथड ऑफ अपटेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर्स ओर द यूज ऑफ एक्विच केमिस्ट्री फॉर रिकवरी ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर कंसेंट्रेट एंड रिसाइकल हम लोग का हाइड्रोमेटलर्जी मीन्स हाइड्रो मीन्स लिक्विड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में इसको लिया जाने के बाद ही हम लोग का मेटल एक्सट्रैक्शन किया जाता है इस मेथड में और को पाउडरी फॉर्म में लिया जाता है सबसे पहला सेकेंड स्टेप हो गया आपका पाउडरी ओर को डिजल्व किया जाता है बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हम लोग का डिजल्व हो जाने के तीसरा स्टेप हम लोग का आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज एडेड इन एभव कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन फ्राम हुई मेटल इज एप्टन हम लोग का कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन के साथ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मेटल को ऐड किया जाता है जहाँ हम लोग का एक्सचेंज रिएक्शन होता है लो इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल के साथ स्ट्रोंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल का एक्सचेंज हो जाता है उसके बाद आपका फाइनली हम लोग मेटल एक्सट्रक्शन कर लेते हैं इस मेटलर्जी प्रोसेस में आपका सबसे ज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेटल ग्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है हर टाइम मेटल ग्रेड को हाई ही रखना है और ग्रेड में अगर मेटल ज़्यादा है तो हम लोग का वेस्ट कम जाएगा मीन्स मिनिमम वेस्ट प्रोडक्शन हो जाता है जिससे हम लोग का मेनली दो बेनिफिट होता है टू इंक्रीज द मेटल यील्ड दूसरा हो गया टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गैंग एंड और भी दूसरा बेनिफिट्स है जैसे कि आपका टू डिक्रीज द थर्मल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अभी हम देखते हैं मेन टॉपिक की ओर चलते हैं मिनरल ड्रेसिंग और मिनरल प्रोसेसिंग और मिनरल बेनिफिकेशन इट इज द प्रोसेसिंग ऑफ रो मिनरल to produce marketable products and वर्स्ट by means that do not destroy the physical and chemical identity of mineral हमर हमारा जो खदान से रो मिनरल्स आता है उसको हम लोग प्रोसेसिंग करके कैसे उसको अपग्रेड किया जाता है अपग्रेड कर देने के बाद हम लोग का वो वैल्यू टू बढ़ जाता है मार्केट में जिसमें जब हम लोग अपग्रेड कर देंगे कोई भी प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ा देंगे तो वहाँ सबसे ध्यान रखना है हम लोग का उसका केमिकल एंड फिजिकल आइडेंटिटी को लूज होने नहीं देना है उसका प्रॉपर्टी मेंटेन ही करना है उसको रखना है अभी देखते हैं हमारा एक एक पॉइंट को एक एक वर्ड को रो मिनरल्स रो मिनरल्स मीन्स एनी फार्म और ऑर्गेनाइसन विच सप्लाई नेचुरल रिसोर्स ऑफ मेटेरियल्स फॉर प्राइमरी प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्री ऑफ मिनरल्स कोई भी हम लोग का नेचुरल रिसोर्स और मेटेरियल प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर को सप्लाई करते हैं उसी को रो मिनरल्स और रो मटेरियल बोलते हैं एग्जाम्पल के तहत ऑक्साइड फॉर एलुमिनियम हेमाटाइड एंड मैगनेटाइड फॉर आयरन अभी चलते हैं मार्केटेबल प्रोडक्ट क्या होता है मार्केटबल प्रोडक्ट्स मीन्स एनी सर्विस इज समथिंग दैट इज़ नीडेड बाय ए कस्टमर कोई भी हम लोग को कस्टमर को जरूरी होता है कोई भी सामान मार्केट में वो जाके ख़रीदता है डे टू लाइफ में हम लोग का क्लॉथेस और हम लोग का साग सब्जी और हमारा चावल दाल जो है डे टू डे लाइफ में हम लोग डेली मार्केट जाके खरीदते हैं अभी आते हैं मिनरल मिनरल क्या होता है इट इज़ ए नेचुरली अकोरिंग इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड हैविंग इंटरनल स्ट्रक्चर केमिकल कंपोजिशन फिजिकल प्रॉपर्टी जो नेचुरली हम लोग को जो कुछ भी हम लोग का इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और कंपाउंड मिल रहा है उसका अपना खुद का पैसन हो खुद का पैसन खुद का केमिकल कंपोजिशन हो खुद का फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना इंटरनल स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे हम जाने ये मिनरल ये चीज़ है माइका का अलग हो उसका प्रॉपर्टीज होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज रंग रूप क्लस्टर क्लेस्ट, क्लस्चर और क्लिवेज सब अलग अपना खुद का होगा गोल्ड का अलग होगा सिल्वर का अलग होगा ये सब एग्जाम्पल हम लोग का मिनरल का है जिप्सम का अलग होता है ठीक है केमिकल कंपोजिशन अगर इसका गोल्ड का देखेंगे या और माइका का तो वहाँ वहाँ पता चल जाएगा कितना यहाँ वेस्ट है कितना ग्रेड है कितना आ, उसका मेटल ग्रेड कितने का कंपोजिशन है वो सब पता चल जाता है केमिकल कंपोजिशन अगर सैम्पलिंग टेस्ट कर देंगे तो वो डिटेल में पता चल जाता है एंड खुद का एक ओन इंटरनल स्ट्रक्चर होता है हम लोग का मिनरल अलग अलग फॉर्म में मिलता है जैसे सल्फाइड फॉर्म में मिलता है ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है कार्बोनेट फॉर्म में मिलता है ओके okay. अभी देखते हैं हम इस मिनरल बेनिफिकेशन प्लांट और प्रोसेसिंग प्लांट कैसे काम करता है ये प्रोसेसिंग प्लांट का एक फ्लोसिट यह है यहाँ हम एक एक करके देखते हैं कैसे काम होता है ठीक है जब आपका ओर को हम सप्लाई करते हैं प्रोसेसिंग प्लांट में तो उसको हम फीड बोलते हैं और ही और इज यूज इन प्रोसेसिंग प्लांट देन इट इज कॉल्ड फीड ठीक है और और आप लोग पहले से आप लोग को पता है इट इज़ ए एग्रीगेशन ऑफ मैन मिनरल एंड गैंग इन जब एक साथ मिलकर रहेगा मिनरल प्लस गैंग मीन्स वेस्ट मटेरियल एक साथ रहेगा तो उसको हम लोग ओर बोलता है एग्जाम्पल सीनाबार एन ओर ऑफ़ मैरकोरी बॉक्साइड एन ओर ऑफ एलुमिनियम अभी आते हैं क्रॉसिंग प्लांट क्रॉसिंग मीन्स रिडक्शन ऑफ लार्ज साइज और इंटो स्मॉलर साइज स्टोन क्रॉसर का ही हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल सबको ही देखा होगा इसलिए स्टोन क्रॉसर का बारे में थोड़ा जानते हैं स्टोन क्रॉसर में हम लोग डायरेक्ट बड़ा बड़ा बोल्डर और बड़ा साइज स्टोन को हम लोग क्या करते हैं उसको साइज को कम कर देते हैं क्योंकि बड़ा बड़ा स्टोन को हम लोग और बड़ा बोल्डर को हम लोग मार्केट में ले जा कर हम किसी कस्टमर को दे नहीं सकते हैं। कोई भी लेने लेगा ही नहीं क्योंकि रोड आज के लाइफ में रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन काम होता है घर का कंस्ट्रक्शन काम होता है ये सब वहाँ बल्डर हम लोग का यूज नहीं ज़्यादा से जा उसको साइड रिडक्शन हो जाता है तो अलग अलग साइज़ जैसे फाइव एम एम का कहीं यूज होता है तो कहीं टू पॉइंट फाइव एम एम का होता है कहीं वन एम एम का होता है कहीं टेन एम mm, एम जहाँ जिस साइज़ का ज़रूरत होता है उस ये साइज़ हम लोग का रिड्यूज किया जाता है क्रॉसिंग प्लांट में उसके बाद एक साथ ये हो जाता है एक साथ रहता है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग का स्क्रीनिंग होता है टू पॉइंट फाइव एम एम अलग तरफ रहेगा वन एम एम का अलग रहेगा टेन एम एम अलग रहेगा एट एम एम अलग रहता है उस स्क्रीनिंग किया जाता है मीन्स छाट दिया जाता है चाल दिया जाता है स्क्रीनिंग मीन्स ए प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस मीन्स इसको अलग अलग कर दिया जाता है एक साथ रहेगा हर प्रकार का सामान चीज़ और पार्टिकल्स और स्टोन साइज तो उसको हम लोग अलग अलग कर देता है डिवाइड कर देता है उसी को हम स्क्रीनिंग बोलते हैं उसके बाद हम लोग को आ जाता है ग्राइंडिंग 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 से पहले जान लेते हैं अगर फाइव एम का हम लोग का स्क्रीनिंग है और नेट है तो वहाँ हम लोग का फाइव एम से अगर छोटा रहेगा तो वो नीचे हम लोग का प्रोसीड होता है आगे के काम में वो प्रोसीड हो जाता है अगर उससे बड़ा है लार्ज साइज है तो हम लोग का वो फिर से क्रॉसिंग प्लांट की ओर चला जाता है जिससे हम लोग का हुँ, हुँ, हम लोग का प्लांट में क्रॉसिंग होता है साइज रिडक्शन होता है ग्राइंडिंग में आपका ग्राइंडिंग मीन्स ब्रेकिंग डाउन मटेरियल इनटू ए फाइन्स और पाउडर फॉर्म यहाँ फिर से हम लोग का वो साइज फिर से रिड्यूस होता है जो यहाँ के हम लोग का पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जैसे कि डस्ट स्टोन डस्ट आजकल ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है सीमेंट ब्रिक्स बनाने में स्टोन डस्ट प्लस सीमेंट को यूज किया जाता है सीमेंट ब्रिक्स जो कि घर का घर काम बनाने में घर का कंस्ट्रक्शन करने में यूज होता है ठीक है उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन आता है क्लासिफिकेशन में आपका काम होता है क्लासिफिकेशन मीन्स शॉर्टिंग ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ सब्सटेंसेस जहाँ आपका अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है जैसे एट क्लास लड़का स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं एट क्लास और टेंथ क्लास और नाइन्थ क्लास एट क्लास वाला लड़का एट क्लास रूम में जाएगा नाइन्थ क्लास वाला लड़का नाइन्थ रूम जाएगा टेंथ क्लास वाला लड़का टेंथ क्लास रूम में जाएगा वहाँ अपना अपना पढ़ाई करेगा ठीक है जैसे प्लांट में क्रॉसिंग प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट साइज का अलग अलग स्थान में वो जा चला जाता है ठीक है उसी का हम लोग क्लासिक क्लासिफिकेशन का बोलते हैं अगर उस साइज़ जो क्लासिफिकेशन है उससे अगर बाहर में रहता है तो उसको बड़ा साइज़ रहेगा तो हम लोग फिर से ग्राइंडिंग में फिर से भेज देते हैं ठीक है अगर अगर फाइव एम एम से छोटा है तो फिर से वो आगे प्रोसीड हो जाता है सेपरेशन की ओर बढ़ता है और वो फाइव एम एम से बड़ा रहता है तो हम लोग तो हम लोग का फिर से वो चला जाता है ग्राइंडिंग के लिए ठीक है अभी सेपरेशन देखते हैं सेपरेशन मीन्स डिविजन ऑफ सम थिंग्स इन टू और डिस्टिंक एलिमेंट जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अलग अलग सामान अलग अलग स्थान में बनाए रखेगा डिवाइड किया जाएगा जैसे राइस का पैक पैकेट में राइस ही रहेगा राहड़ दाल का पैकेट में राहड़ ही रहेगा गेहूं के पैकेट में गेहूं ही रहेगा वहाँ और दूसरा चीज़ आता ही नहीं है ठीक है फाइनली आपका दो चीज़ आ जाता है एक हो गया आपका कॉन्सेंट्रेट मिनरल और दूसरा हो गया आपका आपका टेलिंग जो वेस्ट मटेरियल ये टेलिंग हो गया और हम लोग का फाइनल जो मार्केट में भेजते हैं वो तो हो गया कॉन्सेंट्रेट मिनरल ये ही कॉन्सेंट्रेट मिनरल ही हम लोग मार्केट में भेजते हैं ठीक है कॉन्सेंट्रेट मिनरल मीन्स ए सबटेंस प्रेजेंट इन ए हाई प्रोपोसन रिलेटिव टू अदर एग्जाम्पल लेते हैं राइस पैकेट में राइस पैकेट में हम लोग का राइस ही रहता है राइस के अलावा हम लोग का स्टोन छोटा छोटा स्टोन पार्टिकल्स भी रहता है वो नेग्लिजिबल है ना रहने के बराबर है इसलिए हम लोग का कॉन्सेंट्रेट ये बोल बोल रहे हैं जहाँ की हम लोग का उसी चीज़ ज़्यादा रहेगा टेलिंग मीन्स रेसिड्यू ऑफ समथिंग स्पेशली ओर जो वेस्ट मटेरियल हम लोग का ओर से निकलता है उसको हम लोग टेलिंग बोलते हैं ये टेलिंग वेस्ट मटेरियल हम लोग टेलिंग पाउंड में छोड़ते हैं इधर उधर हम लोग छोड़ देंगे अगर मिट्टी में छोड़ देंगे ज़मीन में तो वो हम लोग का सॉयल पॉल्यूशन कर देगा जहाँ हम लोग का खेती का ज़मीन में खेती भी नहीं होगा उसका फर्टिलिटी कम जाएगा अगर वाटर में हम लोग छोड़ देते हैं तो वहाँ वाटर को बर्बाद कर देगा वाटर पोल्यूशन होगा जिससे अलग अलग तरह का बीमारी होगा कोई भी एनिमल और मनुष्य जो कि इसको यूज कर दे तो वो उसके ऊपर बीमारी ही हो जाता है इसलिए हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए एक ही जगह टेलिंग पॉइंट में छोड़ते हैं अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं पेडी पेडी से हम लोग का कैसे प्रोसेसिंग हो के एक राइस खाने का लायक एक चावल कैसे बनता है इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं ठीक है पेड़ी पेड़ी मीन्स इसको हम लोग राइस प्लस मीन्स आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट्स और सीड्स जब उसका आउटर कवरिंग पार्ट मिला हुआ रहता है पेड़, राइस के साथ तो उसको पेड़ी बोलते हैं पेड़ी हम लोग का पेडी फार्म में ही खेती होता है पेडी फील्ड में उसके बाद खेती होने के बाद हम लोग का आता है क्लीनिंग किया जाता है ठीक है क्लीनिंग क्लीनिंग होने के बाद आपका क्लीन पेडी को वाटर में भिगो दिया जाता है वाटर में भिगो देने के बाद आपका स्टीमिंग होता है स्टीमिंग में आपका गर्म किया जाता है कुछ टेरी के लिए उसके बाद उसको धूप में धूप सुखा दिया जाता है ड्राई किया जाता है एंड पारा बॉयल मीन्स हाफ बॉयल वाला जो हाफ का पेडी है उसको हम लोग यहाँ भेज देते हैं हुलर मशीन में हुलर मशीन में आपका उसको साइड रिडक्शन होता है जैसे क्रॉसिंग प्लांट में होता है वैसे ही वहाँ छिलका उड़ पीस देता है छिलका को निकाला जाता है एंड होश्क सेपरेटर जहाँ छिलका को आपका अलग किया जाता है होश्क सेपरेटर में होश्क सेपरेटर में आपका सेपरेट एक तरफ आपका चावल निकलता है ब्राउन चावल और दूसरा तरफ आपका वेस्ट मटेरियल जो होस्क निकलता है आउटर कवरिंग पार्ट एंड जब धान हम लोग का कूटा जाता है तो वहाँ हम लोग का डायरेक्ट वाइट वाला नहीं निकलता है वहाँ ब्राउन वाला निकलता है जीरो पॉलिश ठीक है उसके बाद ब्राउन राइस आपका पॉलिश जोन में आता है पॉलिश जोन में आपका पॉलिस होता है जिससे आपका पूरा चावल ब्राउन चावल व्हाइट दिखता है पूरा अट्रैक्टिव लगता है वो इसी को देख के कस्टमर खरीदता है ठीक है ये वाला अच्छा है वो वाला अच्छा है ऐसे बोलता है वो लेकिन एक्चुअली हम लोग का पॉलिश हुआ रहता है उसके पॉलिश होने के बाद आपका ग्रेडिंग होता है ग्रेडिंग में आपका ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड से निकलता है ए ग्रेड वाला सबसे अच्छा रहेगा उसके बाद आपका बी ग्रेड वाला उसके बाद सी ग्रेड जो उस बी से लो रहेगा इसी के हिसाब से आपका रेड भी बढ़ता है ए ग्रेड का ज़्यादा रेट होता है बी ग्रेड चावल का उससे कम होता है सी ग्रेड का उससे थोड़ा कम होता है बी ग्रेड से ठीक है अभी देखते हैं स्कोप ऑफ मिनरल प्रोसेसिंग विद द इम्प्रूविंग इन मिनरल प्रोसेसिंग टेक्निक इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू कैरी आउट द माइनिंग ऑफ लो ग्रेड एंड कॉम्प्लेक्स और एम्प्लॉइंग बोल्क माइनिंग हम लोग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी प्रोसेसिंग प्लांट का कि टेक्निक हम लोग का बहुत बढ़ गया है टेक्नोलॉजी जहाँ बढ़ गया है तो हम लोग का बहुत फायदा हो रहा है जैसे पुराने ज़माने हम लोग लो, लो ग्रेड चीज़ को हम लोग मार्केट में भेज भी नहीं सकते थे वो पूरा वेस्ट हो जाता था और कॉम्प्लेक्स और को हम लोग भेज नहीं सकते थे बेच नहीं पाते थे जो हम लोग फेंक देते थे लेकिन वही चीज़ आज हम लोग उसको प्रोसेसिंग प्लांट और बेनिफिकेशन प्लांट में हम लोग उसका वैल्यू और ग्रेड को अपग्रेड करके मार्केट तक पहुंचाया देते हैं एंड उसका यूज हो रहा है लेकिन पहले हम लोग यूज ही नहीं कर पाते हैं इन जनरली द स्कोप ऑफ मिनरल प्रोसेसिंग आर एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल केमिकल स्पेसिस दूसरा हो गया ऑफ ऑन साइज और स्ट्रक्चर तीसरा हो गया सिलेक्टिव सेपरेशन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट आपका एलिमिनेशन ऑफ मीन्स केमिकल आपका सबसे पहला हटा दिया जाता है फालतू तो जो केमिकल स्पेसिस रहता है उसको हटा देते हैं एलिमिनेट हो जाता है ओन डिजायर साइज और स्ट्रक्चर बड़ा बड़ा साइज और अबड़ा खबड़ा इधर जिसको हम लोग का जरूरत जिस साइज ज़रूरत नहीं है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं ओन डिजायर साइज बड़ा बड़ा रहेगा तो उसको हम लोग साइज रिडक्शन करके अपना सही साइज में ले आते हैं ठीक है थर्ड में आके आपका सिलेक्टिव सेपरेशन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट मीन्स हम लोग जिस एरिया में जिस टाउन में जिस इंडस्ट्री में जिस प्रकार का आपका जरूरत है प्रोडक्ट उस हिसाब से हम लोग वहाँ सेपरेशन करके जिस इंडस्ट्रियल सेक्टर में जैसी जरूरत है वैसे ही हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं मीन्स सप्लाई करते हैं एंड और दूसरा इंडस्ट्रियल जोन को हम दूसरा वाला हम लोग उसको सप्लाई करते हैं ठीक है इससे आपका मेनली बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है माइनिंग ऑफ डिजर्व मिनरल एलॉन्ग विथ ओन वांटेड गैंग एट मोच लोअर कॉस्ट मींस हम लोग का ओन वांटेड साइज और गैंग पार्टिकल मिनरल के साथ अगर रहेगा तो हम लोग का प्राइस रेट और उसका वैल्यू तो बहुत नीचे खिसक जाता है कोई उसको लेने नहीं खोजेगा चाहिदा उसका कम जाता है तो ऑटोमेटिक उसका प्राइस ठूब कम जाता है घट जाता है जिससे हम लोग का माइनिंग सेक्टर को और लॉस भुगतना पड़ता है इसलिए हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है मिनरल पेनिफिकेशन प्लांट और प्रोसेसिंग प्लांट और मिनरल ट्रेसिंग इससे हम लोग का बहुत आज के युग में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड हम लोग का जो भी प्रोडक्ट है उसका वैल्यू को अपग्रेडेशन कर दे रहा है जो प्रोडक्ट है उसका अपग्रेड कर देता है ठीक है थैंक यू